नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ में जो आज बलात्कार हुआ है, मेरा आज का वही मुद्दा है। आदरणीय पीएम मोदी जी, सबसे पहले मैं आपसे करूंगा गुजारिश और उस लड़की की मैं ही कर रहा हूं आज सिफारिश। पीएम मोदी, तू कैसे कर सकता है उस बच्ची के साथ में इंसाफ, क्योंकि तू भी नहीं है किसी लड़की का बाप। तू अगर होता बाप तो आज उस लड़की को मिलता इंसाफ। वो 8 साल की बच्ची थी, मंदिर के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया था। ठाकुर, मंदिर के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया था। मोदी, तू कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये सी ऐसी होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या तेरा कानून है, क्या जानता है तू? तुझे जब हम याद आते हैं, जब तू तेरा इलेक्शन नजदीक आता है, जब तू हमारे पास में वोट मांगने आता है, तू केवल वहां पे कुर्सी पे बैठ के बयान दे देता है कि मैं अभी इस केस की छानबीन होगी। केवल छानबीन नहीं होगी, अगर उन दरिंदों को अगर फांसी नहीं हुई तो देख लेना मोदी जी, अगली बार ये मत सोचना कि पीएम तू होगा। और मैं अपने क्षेत्र के पीएम से भी बोल रहा हूँ और सीएम से भी बोल रहा हूँ, तुम्ही ने कहा था कि नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर फांसी होगी। कितने दिन हो गए उस कानून को बनाए हुए, आज तक किसी को फांसी नहीं हुई है। कहाँ सो गए आप कानून के, आप कानून बनाने वाले कहाँ सो गए? उस बच्ची से पूछो उसके साथ में क्या हुआ था, जिसका चेहरा भी लीला पड़ गया, वो आज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो भी चाहती थी, मैं भी इस धरती पे जीना चाहती हूँ, वो भी चाहती थी। सिर्फ वो मोदी इस कानून और इस सरकार की वजह है जो आज तक ऐसे बलात्कारी पैदा हो रहे हैं देश के अंदर। मैं वीडियो को देखने वाले हर भाई से गुजारिश करूँगा, आप देश की लड़ाई और इज्जत को अगर आप जानते हो और अपनी बहन बेटी की इज्जत को जानते हो, तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।